तो जी गाइस, फाइनली हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि भाई राउंड टू हेल का हमने 7 तारीख में वीडियो देखा था, यानी कि परसों। आज तारीख है 9, और ऐसे में राउंड टू हेल का हर एक वीडियो बहुत मेहनत से भरा होता है, मगर फिलहाल बड़ा सवाल यहाँ पर यह पेश हो रहा है कि वीडियो अभी तक ट्रेंडिंग पर नहीं चढ़ा। ये सभी फैंस का सवाल बना हुआ है, क्योंकि राउंड टू हेल एक जाना माना चैनल है और इंडिया का टॉप 5 के अंदर चैनल में राउंड टू हेल का नाम आता है 3rd नंबर पर। जी हाँ, फाइनली राउंड टू हेल इतना ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर हो चुका है, इतने ज़्यादा फैंस क्रिएट हो चुके हैं कि फैंस उनके वीडियो का हमेशा इंतज़ार करते हैं। मगर एक्चुअल में बड़ी बात ये है, फैंस का बड़ा सवाल है कि वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया। इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। और सबसे बड़ी वाली बात ये कि राउंड टू हेल का 7 तारीख में वीडियो आया और 6 तारीख में उसका टीज़र आया। टीज़र हमने देखा, यानी कि ट्रेलर हमने देखा है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। नंबर 9 पर यह भी ट्रेंडिंग में लगा हुआ है, जो कि जोम्बी के नाम से, क्योंकि राउंड 12 के जो वीडियो है ये जोम्बी के ही नाम से है, ये इनका जो ट्रेलर है वो अभी भी नंबर 9 पर लगा हुआ है। और अगले दिन राउंड 12 का वीडियो आया, एक जोम्बी के नाम से ऑलरेडी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर लग चुका है। इस वजह से यूट्यूब का सर्वर उसको मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ये वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं लगा है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि राउंड टू हेल ने जो टीज़र यानी कि ट्रेलर जो अपलोड किया था, वो एक दिन पहले अपलोड करके गलती कर दी। अगर वो यही ट्रेलर वीडियो आने से 4 से 5 दिन में अपलोड करते, तो वो वीडियो आज जो परसों आया है, वो वीडियो डेफिनेटली मैं सच कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि ट्रेंडिंग में ही होता और नंबर 1 ट्रेंडिंग पर होता। राउंड 12 का इतना स्ट्रगल, राउंड 12 की इतनी ज़्यादा मेहनत, यानी कि YouTube पर ऐसा कंटेंट बहुत कमी से देखने को मिलता है। YouTube क्रिएटर इतनी ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता, हालांकि हर एक क्रिएटर की मेहनत होती है, मगर भाई एक होती है मेहनत और एक होती है इतनी हद से ज़्यादा मेहनत करनी, वो किसी भी क्रिएटर के बस में नहीं होती। राउंड टू हेल वालों की टीम ने खुद बताया कि इस वीडियो को हमें पूरा शूट करने में 2 महीने का वक्त लगा, और 2 महीने एक वीडियो पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राउंड 12 अगर कोई छोटा मोटा भी वीडियो बनाते तो 20-25-30 मिलियन 40 मिलियन उनके व्यूज़ वैसे ही ग्रो कर जाते हैं, मगर मेहनत करना भाई, वाकई में वो वीडियो 100 मिलियन+ डिज़र्व करती है। YouTube पर ऐसा कंटेंट हमें वाकई में नहीं देखने को मिलता, यानी कि राउंड 12 एक ऐसा पहला क्रिएटर है जो डे बाय डे अपने कंटेंट के ऊपर इंक्रीजिंग किए जा रहा है, अपना कंटेंट जो है वो दबाकर मेहनत करते हुए पूरी ही टीम जो है वो नज़र आ रही है। 3 महीने के बाद वीडियो आना इज़ अ वेरी डिफरेंट भाई। चाहे तो हर महीने भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मगर राउंड टू हेल ने, नाजिम ने और साथ में जैन सैफी ने साफ साफ इस बात के ऊपर जो है वो अपना बयान दिया कि हम ऐसा कंटेंट लाना चाहते हैं जो यूट्यूब पर कभी हो ही नहीं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल देखते हुए इस वीडियो के ऊपर 100 मिलियन व्यूज़ होना तो भाई डिज़र्व करते हैं। और जब आप देखें तो जो ऐड आए वो पूरे ऐड देख रहे ना, क्योंकि इससे रिवार्डिंग वेब ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाएगी। ये एक मेरा बड़ा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो अभी तक ट्रेंडिंग में नहीं आया है। हालांकि एक छोटी सी गलती जो है वो दोहराई गई, और मैं ये सब उम्मीद करूंगा कि ये गलती आगे से ना दोहराई जाए, कि एक दिन पहले ही ट्रेलर अपलोड कर देना, उसकी वजह से ही वो ट्रेलर चला गया ट्रेंडिंग में और जो मेन असल वीडियो है वो ट्रेंडिंग में नहीं गया। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, ज़रा सोच कर देखिएगा इसको, और हमारा कन्फ्यूज़न था कि अभी तक वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया। कुछ अगर डाउट्स हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।